चुका है और यहाँ पे हम बॉयज हॉस्टल में पहली बार एंटर किए और हमारी रैगिंग हो गई और बड़े क्या थे वो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई एम गोइंग टू एंटर बॉयज हॉस्टल। दी ओनली लीगल वे फॉर गर्ल्स टू एंटर बॉयज हॉस्टल इज स्पोर्ट्स वीक। एंड सिंस आवर कॉलेज हैज कंप्लीटेड 50 इयर्स ऑफ इट्स एक्जिस्टेंस एंड गोल्डन जुबली इज बीइंग सेलिब्रेटेड, सो टू सेलिब्रेट इट स्पोर्ट्स वीक एंड कल्चरल आर बीइंग हेल्ड। So today is the last day of sports week and today all the final matches of all the games are going to be held. I will try to cover each and every game. Stay tuned and watch till the end. आज खीर खिला रहे हैं हमें सर, हम इतना भाग के आया, हमें इतना गर्म क्यों खिला रहे हो? ये काजू बादाम वाली खीर है। वेरी बैड। 8 लाख का फंड ये आया है हमारे कॉलेज का और ये हमें ये 10 रुपए की खीर खिलाई जा रही है। सर 8 लाख कहाँ गए? जनता जानना चाहती है। सर कहाँ गए 8 लाख? 12 लाख। 12 लाख। अब मुझे पता चला है कि 12 लाख गायब हो चुके हैं। सर कहाँ गए? खीर ले लो, खीर 10 रुपए की खीर। टू विन अ रेस यू नीड टू ट्रेन योर सेल्फ एंड प्रैक्टिस एवरी डे एंड अन अकेडमी बींग द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म हेल्प्स यू विन दिस रेस। गिव योर IIT JEE एंड नीट UG प्रेप अ बूस्ट विद अन अकेडमी एक्सेल, अ वन डे फ्री टू अटेंड कैंप क्यूरेटेड स्पेसिफिकली टू हेल्प एस्पिरेंट्स लाइक यू। लेट एक्सपर्ट्स नेविगेट यू थ्रू द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ दिस कोवर्टेड एग्जाम्स एंड प्रोवाइड यू विद अ ब्लू प्रिंट फॉर सक्सेस। So register yourself for this free event that is going to be held on October 23. The link is in the description below. There are going to be 2 sessions in this event. The theme for session 1 will be time management, in which you can get answers to all your questions like whether you should take a drop or not and what should be your timetable and much more. The theme for session 2 will be academic management, in which you can get answers to questions like which books to follow and whether you should focus on theory or questions more and things like that. Also, you can use my code JAMBALL16 to avail 10% off on Unacademy Plus and Iconic subscriptions. The link is in the description below. So check out the link and enroll yourself. All the best! और ये देखिए यहाँ पे ये फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था इन्होंने। और ये देखिए यहाँ पे जूम करके दिखाती हूँ आपको, इनको लगी हुई है ये देखिए और इन्होंने रेस में भागे ही नहीं, बट स्टिल शी हैज गॉट अ गोल्ड फॉर आर बैच इन शॉर्ट पुट। मजा करने के लिए
अभी हमारा फिर से री होगा क्योंकि हमारा ऐसे ऐसे हुआ है। अभी हमारा फाइनल ये रेस का फिर से री होएगा बिकॉज रेफरी ने वेसल दिया तो मैम उससे पहले शायद आगे आ गए थे। और सबसे अच्छा चीज ये कि सारे वीडियो बना रहे तो फेयर हो रहा है। यस, जैसे कि ये ब्लॉगर है और मैं ब्लॉगर हूँ। हाय ब्लॉगर, सब्सक्राइब टू डैन के ब्लॉग्स। अब तू भी बोल। रणवीर को दे, आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, पास पास करके। ये आपने रानी ले ली है, आपने रानी ले ली है। वाह, फिर आप जीत गए। ये देखिए सिफारशी प्लेयर, इनकी शॉट देखी आपने, ये थर्ड राउंड में थे, सिफारी से पहुंचे थे। और ये है रियल टैलेंट हितेश ठाकुर, इनसे मिली। और आमिर भाई की बेहतरीन शॉट इसी के साथ। एक और सिफारशी प्लेयर की देखिए शॉट, ये देखिए देखिए आपको, ये भी सिफारशी प्लेयर है, इनका नाम है अमजद हुसैन। दो सिफारशी प्लेयर साथ में बैठे हुए हैं, देखिए कुछ भी। और किस्मत चल रही है यहाँ पे बारशी प्लेयर की। देख और यहाँ पे दोनों प्री फाइनल की टीम्स आपस में फाइनल खेलेंगी। और यहाँ पे देखिए रिश्वत देके यहाँ पे हराने को कहा जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये प्रूफ है, अगर ये हारा ना इसकी वजह से हारेंगे। हाँ, इस वजह से हारेंगे कि आपस में रिश्वत देके सौदा कर रहे हैं कि कौन जीतेगा। बेहतरीन। और यहाँ पे हितेश हमारे प्रो प्लेयर जिनसे सबको खतरा है। एक और लगातार दूसरी, जैसे मैं हैट्रिक बोलती हूँ वैसे ही तीसरी रुक जाती है। वन मोर। नहीं रुकी, लगातार चार लगातार गेंदों में चार छक्के। ये देखिए, और यहाँ पे क्विट क्या सोचते हुए रमित, पांच लगातार। और यहाँ पे कौन से स्कोर पे रुक गया है, छह छक्का मारते हुए यहाँ पे हितेश। जोमेटो से ऑर्डर करें, रसमलाई और काजू बर्फी, पैसे निकालो, बनिया पैसे ही नहीं हमारे पास। रसमलाई और काजू बर्फी क्योंकि मैंने व्रत रखा। ओके ओके, आपको क्या चाहिए रिफ्रेशमेंट में? जूस, इनको मैच जीतना है बस, रिफ्रेशमेंट। आपको क्या चाहिए रिफ्रेशमेंट में? ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। क्या तीन प्लेट बिरयानी मंगाना, दो पिज्जा, दो कोक, दो मीठी लस्सी और एक छाछ। और ये देखिए अच्छे अच्छे लोग हमारे लिए टिफिन लेके आए हैं। ये आपके लिए नहीं है, बहुत अच्छा लगता है, मैं फास्ट वाला खाना खाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे शेयरिंग इज केयरिंग। और ये यहाँ पे प्रो रेसर तैयारी करते हुए रिले के लिए, ये अपने हॉस्पिटल की ड्यूटी स्पेशली छोड़ के आए हैं यहाँ पे भागने के लिए। और ये रेस स्टार्ट होते हुए, और ये देखिए ये देखिए ये देखिए।
what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love. वन आप बहुत अच्छा भागे, यहाँ मेरे को क्राम पड़ गया इनमें, कोई बात नहीं, इनमें क्या बीच रेस बीच रेस में और ये सर का माइक देखिए, बेटन को सर ने माइक बना दिया अपना और दूरबीन भी बना दी अब तो, ये देखिए फ्रेंड्स अब हमें जूस लेने वाला है सर, फिर भी 12 लाख बहुत ज्यादा है, 8 लाख तो हम कम बोल रहे हैं, किसने बोला तुम्हें 12 लाख का माना, ये तो हमें भी पता नहीं। ओके सर आपने तो खा लिया, आपको कैसे पता और ये यहाँ पे स्टोर खुलते हुए इसके अंदर सारा खाना खजाना है, जल्दी जल्दी सर जल्दी खोलो, भूख लगी है और ये हमें यहाँ हमारी एक्साइटमेंट पीक पर है, और ये देखिए ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे सारा सामान है, हमें जूस लेना है सर, जूस चाहिए हमें जूस, ये देखो 8 लाख के लिए ये ट्रॉफी 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 दे दो सर, ये केलों को पोलियो हो चुका है इसलिए अभी ये खाने लायक नहीं रहे हैं। क्या सर, क्या सर, क्या क्या बोल रहे थे आप सर, वीडियो बना रहे हो ना? हाँ वीडियो बना रहे हैं, दूर से, हाँ ठीक है। और हम बिल्कुल मैच जीत चुके थे, हम बिल्कुल रेस जीत चुके थे और वसीम गिर गया, बट स्टिल ही प्लेड वेरी वेल। इंशाल्लाह 100 मीटर्स में कोई नहीं, इंशाल्लाह वसीम को इंजरी फैटा मारेंगे, फैटी चलाएंगे इनको। क्या बोलना चाहेंगे आप अपने प्रोफ को, हर एक गेम में चीटिंग करा के जिताते हुए, ये जीत ये है उसके जिम्मेदार। ये है यहाँ का बॉयज पीजी हॉस्टल और ये है यूजी हॉस्टल, न्यू बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग का ओल्ड बिल्डिंग और ओल्ड बिल्डिंग उधर उधर पीछे है, और ये देखिए बॉयज हॉस्टल ने कुत्ते पाले हुए हैं और गर्ल्स हॉस्टल ने बिल्लियां पाली हुई हैं, और अभी हम जा रहे हैं बॉयज हॉस्टल के नेस्केफे में, सारा फंड जो है वो बॉयज हॉस्टल ही ले लेते हैं, देखो कितना बड़ा हॉस्टल है इनका और हमारे बेचारे गर्ल्स हॉस्टल की इक्का दुक्का बिल्डिंग, और ये बॉयज हॉस्टल का नेस्केफे लेकिन अंदर है सिर्फ गर्ल्स ही गर्ल्स। और यहाँ पे हम बॉयज हॉस्टल में पहली बार एंटर किए और हमारी और हमारी रागिंग हो गई, और बड़े क्या थे वो बड़े अच्छे सर थे वो सारे, बहुत ही अच्छे सर थे, उन सब ने हमारी रागिंग ली और जीएमसी की पहली रैगिंग मेरी बॉयज हॉस्टल में हुई है, मुझे याद रहेगा। प्री फाइनल में होके हम रैगिंग दे रहे हैं, तो जूनियर्स के लिए एक मैसेज है, बच के रहो। बॉयज के हॉस्टल में कितनी कैंटीन्स हैं? दो कैंटीन एक मेस कैफे और एक मेस कैफे, सारा फंड ये बॉयज हॉस्टल ने लिया हुआ है, और ये देखिए यहाँ पे चोर गेट से निकलते हुए। सबसे पहली बात ये कि आपको घबराना नहीं है।
वहाँ पे जाके रिफ्रेशमेंट ढूंढते हुए और यहाँ पे रिफ्रेशमेंट चोरी की जा रही है, हक से चोरी की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप, एक क्लोजिंग कमेंट्स फॉर द स्पोर्ट्स वीक? खाना मिल गया, बड़ी बात थी, बस हमारा भूल जाएगा। यहाँ पे चाहत SPF अल्ट्रा 1000 लगाते हुए और ये देखिए यहाँ पे सबको देखिए, यहाँ पे ये अपनी सनस्क्रीन से प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे। चलो